नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरब कुमार है और मैं आपको यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब प्रारंभ, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का, जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 20 लोकल गवर्नमेंट का जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे, उसका पार्ट नंबर 1 म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती राज का आज सेट प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो ये आपका जो वीडियो बन रहा है ये आपका रिविजन पर्पज के लिए है, ठीक है। तो जिनको जो है पूरा आपका ऑप्शन के साथ जो देखना है तो आप लोग जो है दूसरे प्लेलिस्ट में आपको वहां पर चैनल दिया गया, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर पूरा वीडियो बना दिया गया है, यहां पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और जो आपका राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर टू है, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मद्रास। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1993 मेंशंस ऑफ द। तो थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द म्युनिसिपैलिटीज। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रोविजंस रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1993। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ए कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी, द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड ऑन द इंपॉर्टेंट कंडीशन अमंग अदर्स द डेट। तो फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा 20 का जो है पहला पार्ट म्युनिसिपैलिटी देखा, अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट पंचायती राज से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पंचायती राज का पहला क्वेश्चन है, ए कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय। तो वन का राइट आंसर ऑप्शन बी, अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर टू है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट वाज द रीजन फॉर गांधी जी सपोर्ट टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो थ्री का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिसेंट्रलाइजेशन रिसोर्स मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इनटू डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, बलवंत राय मेहता कमिटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ। तो फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द विलेज द ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन सेवन है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो सेवन का राइट ऑप्शन नंबर सी, 1959। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेवी ड्यूटीज है। क्वेश्चन आपका नाइन है, ऑल डे टू डे फंक्शन ऑफ द पंचायत इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर बीइंग ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड आर वेब बेस्ड। तो दिस इज बीइंग डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फॉर ए पंचायत। तो नाइन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला। क्वेश्चन नंबर आपका टेन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट दैट द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर ए गैप ऑफ। तो टेन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइव ईयर्स। क्वेश्चन नंबर आपका इलेवन है, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो इलेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज। क्वेश्चन आपका ट्वेल्व है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्राम सभा। तो आपका ट्वेल्व का जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट मेल्स ऑफ द विलेज पंचायत। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायती राज। तो तेरा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73rd। क्वेश्चन नंबर चौदह है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सुन आपका, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, द अशोक मेहता कमिटी लेड ग्रेटर एफेंसिस ऑन। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मंडल पंचायत। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ द अशोक मेहता कमिटी ऑन पंचायती राज। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन ऑफ द थ्री टायर सिस्टम, ये अशोक राय मेहता का ये सजेशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज नॉट एनफ टू पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन आपका 18 है, पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन 19 है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज द फर्स्ट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टैब्लिश इन इंडिया। तो आपका 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमिटी। क्वेश्चन आपका 23 है, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड डैश। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन आपका 24 है, 24 द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 25 है, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 145। ठीक है, तो प्रधान और सरपंच और आपका जो है पंच हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 27 है, द मेन पर्पस ऑफ द पंचायती राज, द मेन पर्पस ऑफ द पंचायती राज। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन 28 है, न्याय पंचायत इन पंचायती राज सिस्टम हैव नो पावर्स ऑफ अवार्डिंग इंप्रिजनमेंट एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन आपका 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपका 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी नागालैंड। क्वेश्चन आपका 30 है, कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत। तो ऑफ द एवब द करेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ पंचायत वुड बी। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4। तो आपका लोकल अथॉरिटी ग्रांट बाय फाइनेंस कमीशन, असिस्टेंट बाय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और एलोकेशन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और आपका चौथा एलोकेशन फ्रॉम द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो आपका चारों से आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर अकॉर्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू द पंचायती राज। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलएम सिंघवी कमिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत वाज 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशनड। तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर डी 11th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ईयर। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1993। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी अक्टूबर 2, 1959 नागौर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच कमिटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंडेड थ्री टायर पंचायती राज इन इंडिया इन 1957। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता कमिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 243। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट द। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 38 है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचायती सिस्टम। क्वेश्चन आपका 40 है, सेक्शन और रीजन है। तो सेक्शन ए कह रहा है, द 73rd अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा, और रीजन आल कह रहा है, द बलवंत राय मेहता कमिटी मेंशन द ग्राम सभा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर टू, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका दोनों सही है, ई और आर दोनों आपका सही है। ठीक है, आप लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, द 73rd अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा और द बलवंत राय मेहता कमिटी मेंशन द ग्राम सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 रेफर्स टू द। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लाइंग द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिस्ट वन को लिस्ट दो से मिलाइए। तो लिस्ट वन आपका लोकल बॉडी से, लिस्ट दो स्टेट एज इन 1919। तो आपका 42 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल आपका आसाम में है, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में, ट्राइबल काउंसिल आपका मिजोरम में, आपका एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत मेघालय में। ठीक है, तो जिला परिषद एट द सब डिविजनल लेवल आपका असम में, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश में, ट्राइबल काउंसिल मिजोरम में, और एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत आपका मेघालय में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ ए पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन 6 मंथ। क्वेश्चन आपका 44 है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन
ये आपका सही है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन दोनों सही है। अब पहला आपका गलत है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, 2-3। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत रिस्ट्रिक्शन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, व्हाट इज द रोल पावर ऑफ ग्राम सभा। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आपका सही है, ठीक है। तो ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया, ये आपका सही है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी सही है। क्वेश्चन आपका तीसरा भी सही है, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर जे एनी मिनर इन द शेड्यूल एरिया, ये सही है। क्वेश्चन 46 है, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पंचायती राज। क्वेश्चन 47 है, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24th अप्रैल, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो, कल पढ़ेंगे आपका 21 नंबर चैप्टर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।